हाय, मैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज हूँ और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। यस, दिल्ली वही शहर है जो पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर बन चुका है। मेरी प्रैक्टिस आज की डेट में अच्छी है, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे डॉग्स यहाँ हैं, तो मुझसे दिल्ली छोड़ी नहीं जा रही। मगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि महीने में कम से कम 10 दिन मैं दिल्ली से बाहर रहूँ। This pollution is so bad, the AQI levels is so bad. अभी हम सबको पता है, थोड़े दिनों में हम मीडिया वालों से सुनेंगे पराली जल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरी फैमिली के लोग, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, तो मुझे धूम्रपान से और मेरी स्किन पे काफ़ी डैमेज आ सकता है। एज अ डॉक्टर, चीज़ें जो मैं करती हूँ, आज आपको इस चैनल के द्वारा यही बताना चाहूँगी। एयर प्यूरीफायर, कम से कम एयर प्यूरीफायर जिनमें आयन्स होते हैं, फॉर वट एवर एडवांटेज इट कैन डू, उसमें मेरे 2-3 घंटे ज़रूर बीतते हैं। नेचर के मैं जितने पास जा पाऊँ और नेचर का मैं जितना सपोर्ट कर पाऊँ। मैं कागज़ नहीं वेस्ट करती, पानी नहीं वेस्ट कर पाती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं वेस्ट कर पाती। और लोगों को लगता होगा, KCCA स्टाफ को लगता है कितना तंग करती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चेंजेस हमें करने हैं अगर हमें फिर भी दिल्ली में रहना है। अपनी स्किन पे ध्यान रखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू सील द मॉइस्चराइजर, क्योंकि हम एक गैस चैम्बर में घूम रहे हैं इस वक्त। सील द मॉइस्चराइजर से मेरा मतलब है, यूज सम फेस मिस्ट एंड फेस स्प्रेज। जी, हल्के गीले फेस के ऊपर लॉक करिए मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन इज द बेस, सनस्क्रीन के ऊपर आप लेयर अप कर सकते हैं विद अ डे मॉइस्चराइजर और अ ग्लो क्रीम और वट एवर दैट यू वॉन्ट टू, अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो। रात को दोबारा फेस वॉश जरूर करें, बिकॉज जो हम रात को अपने चेहरे पे लगाते हैं, इट इज़ लाइक फूड फॉर आवर स्किन। सो पूरा दिन जो हमने पोल्यूशन में बिताया है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप घर के अंदर हैं, पोल्यूशन नहीं आ रहा, तो वो भी बात गलत है, क्योंकि एयर तो वही है, सेम है। अनदर थिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज कि हम लोगों में, जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, विटामिन डी बहुत कम होता जा रहा है। हालांकि पहले बात ही नहीं होती थी विटामिन डी की कमी की, मगर अब इस पोल्यूशन और स्ट्रेस वाली दुनिया में विटामिन डी एंड विटामिन बी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। उसकी वजह से स्किन पे पिगमेंटेशन, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, हेयर फॉल, एलर्जीज, अक्यूट अर्टिकेरिया, तरह तरह की और बीमारियाँ बनती जा रही हैं। सेंसिटिव स्किन, यूथ में, यंग में सेंसिटिव स्किन होना, एडल्ट्स में एक्ने होना। सो प्लीज़ अपने आप को पोल्यूशन से बचाएं। छोटे छोटे नुस्खे हमने यहाँ बताए हैं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अपनी डाइट को बेहतर करें, फेस पे अपनी कुछ क्लीन अप ट्रीटमेंट्स ज़रूर रेगुलरली कराएं अगर आप स्किन कॉन्शियस हो। एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, हम यहाँ पे कार्बन क्यू स्विच लेजर्स करते हैं, विच इज़ एंटी पोल्यूशन, जिससे हम कार्बन लगा के स्किन की गंदी सेल्स को निकालते हैं। बेसिक मेडिकल क्लीनअप्स करते हैं, जिसमें माइक्रोडर्माब्रेजन के साथ स्किन की गंदी डस्ट, ग्राइम सबको निकाला जाता है। सो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, रेगुलर कुछ ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। केमिकल से दूर रहें, ब्लीच मत लगाएं अपने फेस पे, उससे फेस और केमिकल और एक्सपोज हो जाएगा, जब पोल्यूशन में आप जाएंगे तो चिपकेगा। N95 या N99 मास्क को ज़रूर यूज़ करें, स्पेशली तब जब आप सुबह या लेट इवनिंग कभी जा रहे हो जहाँ ज़्यादा लोग ना हो। जी, अब अनलाइक कोविड, पोल्यूशन में अच्छा ये रहता है कि हम ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं, ताकि जो पोल्यूशन और स्मॉग है वो सेटल हो पाए। So take care friends, stay healthy and try to keep getting out of Delhi is going to be my message for right now.